Auntie, excuse me one minute. तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसके कहने पे आई हो? बाहर इतने सारे गेस्ट और तुम भी दादी के साथ होना चाहिए ना, वो तुम्हें ढूंढ रही होगी। दादी मुझे ढूंढ नहीं रही, उनके पास ही आ रही हूँ मैं। तो तुम्हें गेस्ट के साथ होना चाहिए। गेस्ट के साथ तो आपको रहना चाहिए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये कौन है, यहाँ क्यों बैठी? गेस्ट है क्या? गेस्ट है तो बाहर होना चाहिए, बाहर क्यों नहीं है और यहाँ क्यों बैठी? तुम कोर्ट रूम में खड़ी हो जो इतने सवाल कर रही हो, चुप बोला ना, बाहर जाओ। मैं ऐसे कैसे जाऊँ? पहले मुझे बताइए ये है कौन? मेरी होने वाली सास। क्या? अरे फुगी, सास हो या साली, क्या फर्क पड़ता है? तुम चाहो ना मेरी माँ यहाँ से, तुम चाहो। ऐसे कैसे जाऊँ? आप मुझे परेशान लग रहे, थोड़े थोड़े डरे हुए भी लग रहे, गड़बड़ है कुछ। मैं दादी को बुला कर लाती हूँ। तुम पागल हो गई हो फुगी, तुम दादी को बीच में क्यों ला रही हो? आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे तो उन्हें बुलाना पड़ेगा ना, उनसे ही पूछना पड़ेगा कि है कौन। ठीक है मेरी माँ, बता रहा हूँ, ये दोनों मेरे क्लाइंट्स हैं। दोनों मतलब एक जो यहाँ पर बैठी है और दूसरा वॉशरूम के अंदर। ये लोग मुझसे एक डील साइन करवाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर आए। हो गया, अब तो जाओ। पता नहीं उसका फोन आया था और कह रहा था वो किसी प्रॉब्लम में और हेल्प चाहिए और मुझे अंदर बुला रहा था। तो प्रॉब्लम तुम्हें जाना चाहिए ना, तुम फ्रेंड हो उनके, इनकी मदद कर दो। मैं तो दोस्त हूँ, पर आप तो वाइफ हो उसकी। आपके होते वो घर में अकेला ऐसे अच्छा थोड़ा लगता है। आप जाइए अंदर, उसकी हेल्प कीजिए। आप समझिए पूरब क्या बोल रहा था। क्या मतलब, क्या समझी तुम? कि आप किस प्रॉब्लम में? क्या प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम? अरे आप ही ने तो पूरब को फोन करके बोला था ना कि आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए और आपको उसकी मदद चाहिए। लेकिन मैं आपकी पत्नी हूँ ना, एक पत्नी का धर्म होता है पति की मदद करना। तो मेरी क्या हेल्प करोगी? अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं हूँ ना, मैं आपकी ये डील नेगोशिएट करूंगी। तुम क्या मेरी हेल्प करोगी? अगर तुम्हें असली डील के बारे में पता चला ना तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। असली डील? कौन सी असली डील? असली डील ये लोग ना मुझसे एक प्रोडक्ट को एंडोर्स करना चाहते हैं। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में ना तुम सुन सकती हो ना बात कर सकती हो। अगर तुम ये सब नहीं कर सकती तो तुम्हारा यहाँ पर कोई फायदा नहीं। तुम जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे चली जाओ? आप मेरे पति, आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, और जो आपका काम है उससे मुझे कैसी शर्म? मैं यहाँ आपकी मदद करने आई थी, मदद करके जाओ। फुगी, अब इसे कैसे बताओ कि हाँ बिजनेस नहीं शादी की डील चल रही है? अगर इसे भनक लगी ना तो ये सनक जाएगी, और अगर दादी को पता चला, नो नो। नमस्ते। नमस्ते। तुम शायद अभी की वाइफ हो? जी हाँ। अभी तुम क्यों खड़े, बैठो ना। थैंक यू बेटा, आई रियली अप्रिशिएट कि तुम यहाँ हमसे मिलने आई, वरना फैमिली फंक्शन छोड़ के कौन आता है? और हमारा भी बहुत मन था तुमसे मिलने का। मुझसे मिलने का? हाँ, रॉकस्टार की बीवी हो, लोग तो मिलेंगे ही ना। अभी तो इतनी तारीफ कर रहा था तुम्हारी। तारीफ? मैं डील की बात कर रहा था। डील? डील? हाँ, डील, डील, दो लोगों के बीच का डील। लगता है आप थकी हुई है, मैं भी बहुत थक गया हूँ। एक काम करते, कल बात कर ले। नहीं, कल क्यों? हम आज ही बात करें, आज ही बात करेंगे। अब आज लोहड़ी है ना, लोहड़ी के दिन कोई भी नई चीज की शुरुआत करना बहुत शुभ होता है। आज से अच्छा कोई दिन हो ही नहीं सकता, हम आज ही बात करें। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, आज के दिन अगर नया रिश्ता बनेगा तो वो हमेशा चलेगा। रिश्ता? रिश्ता ये तो बन रहा है, ये लोग
पहली बार हमारे घर आ रहे हैं, तो नया नया रिश्ता बन रहा है ना, रिश्ता या ढील एक ही तो बात है ना आंटी। अभी मतलब देखिए ना, अब एक बार रिश्ता छूट जाए उसके बाद लोग इसे रिश्ता बुलाए डील, क्या फर्क पड़ता है? आप इसे डील ही समझिए। बेटा तुम्हें इस रिश्ते से तुम्हें इस डील से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्रॉब्लम क्यों होगी, उल्टा मैं तो बहुत खुश हूं। इन्होंने कहा मुझसे कि डील थोड़ी अजीब है लेकिन लेकिन जरूरी है, और अगर जरूरी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कमाल है, इस लड़की को तनु और अभी की शादी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब कि लड़की खुद अपनी शादी को शादी ही नहीं मानती और हम लोग खामखा परेशान हो रहे थे। मुझे लगता है ये लोग प्राइस कम करने की सोच रहे, बट यू डोंट वरी, आई हैंडल देम। बेटा अभी बिल्कुल सही तारीफ करता है तुम्हारी, तुम एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की हो, एजुकेटेड हो और आज के दौर को अच्छी तरह समझती भी हो, कि कभी कभी ऐसे भी रिश्ते ऐसी डील्स भी करनी पड़ती हैं। कहो कब करना है सर? अप्रैल, अप्रैल का महीना सही रहेगा? नहीं नहीं, आई थिंक अप्रैल में बहुत गर्मी होती है, जून शुड बी बेटर। जून, जून में कैसे करेंगे? जून में क्यों नहीं कर सकते? हाँ यू आर राइट, जून में बारिश बहुत होती है ना, आउटडोर नहीं हो पाएगा। तो इंडोर कर लेंगे, इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ ये, लेकिन यू नो बारिश के मौसम में गेस्ट कम आएंगे। गेस्ट? 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 कि लोग ना ऑडियंसेस को गेस्ट बुलाते हैं, वेरी कल्चर्ड। अब एक काम कर लेते हैं, दो तीन महीने बाद का कर लेते हैं। दो तीन महीने के बाद? नहीं नहीं, उसके बाद फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे ना, तब इनके पास डेट नहीं। हाँ ये बात भी ठीक है, अभी की डेट्स नहीं होंगी, उसे अपना काम है, तो जून का महीना ही ठीक रहेगा। मैं सब मैनेज कर लूंगा, मैं अभी डेकोरेटर केटरर। जून, जून इट इज, हम जून का डेट फिक्स कर लेते हैं, है ना, सुनने में कितना अच्छा है जून। ऐसे कैसे सील द डील? फुगी, जब इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ठीक है, जून फाइनल करते। ओह ग्रेट, दैट्स नाइस। तो फिर मैं बात पक्की समझू? पक्की नहीं, पक्की बात तब होगी जब जब आप पैसे डिसाइड करेंगे। अब पैसे? हाँ तुम पैसे लोगी? तुम पागल हो गई हो फुगी? तुम ऐसे काम के लिए पैसे मांगोगी? तुम इन लोगों से पैसे मांगोगी? तुम ऐसे का ऐसे काम के लिए मतलब? ओ अब समझे, ये चैरिटी शो कर रहे हैं। सॉरी सॉरी, ले आई तू अपने पूरब को?
अब ये लोड़ी की अग्नि के आसपास फेरे लेकर तुम अपने रिश्ते को और भी पक्का कर लो। कहाँ जा रही हो? इन दोनों को अलग करने के लिए। इन्हें एक साथ मैं नहीं देख सकती तनु। अब तक तो इन्हें एक साथ देखती आई हूँ, लेकिन अब इन्हें फेरे लेते हुए मैं नहीं देख सकती। तुम कुछ नहीं करोगी आलिया। हो क्या गया तुम्हें? अब तक तुम्हें अपने आप पे इतना कंट्रोल था, इतने पेशेंस से काम लिया, और अब अचानक हिम्मत हार रही हो। तुम अगर कुछ भी करोगी ना तो सबको पता चल जाएगा, सबके सामने एक्सपोज हो जाओगी तुम, और सबको पता चल जाएगा कि तुम पूरब और बुलबुल को एक साथ होते हुए नहीं देख सकती। हाँ तो क्या करूँ? जैसे फेरे ले रहे हो और ऐसे ही है, इन दोनों की शादी होने दो। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जो कुछ भी करना है हमें बहुत सोच समझ के करना है। अरे तो क्या करना है तनु? मेरे पास एक प्लान है। प्लान? चलो भाई, जिन लोगों ने फेरे नहीं लिए वो फेरे ले लो। आ जाओ। लोड़ी के आसपास तूने फेरे तो ले लिए, अब ये नारियल फोड़ ले वहां लोड़ी की अग्नि के पास। माँ, ये नारियल किसके लिए? हर शुभ काम की शुरुआत नारियल फोड़ के ही होती है। तुम लोगों की शादी होने वाली है ना, शुभ काम कर लो। बुलबुल, पूरब, बेटा ज्यादा लगी तो नहीं ना? माँ मैं ठीक हूँ। डॉक्टर को बुला ना। दादी, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। कहाँ ठीक हो पूरा? क्या जरूरत है ये सब करने की? आज बेटा, जो तुमने बुलबुल की जान बचाई है ना, हमारे लिए तो जिंदगी भर का एहसान कर दिया। आंटी जी, कैसा एहसान? मैं बुलबुल को कुछ होने कैसे देता? नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अगर आज तुम नहीं होते ना तो पता नहीं बुलबुल। और तू क्या कर रही थी? ध्यान नहीं रख सकती थी? अगर तुझे कुछ हो जाता तो? अभी माय बॉय कम, तुम पे तो हमें पूरा भरोसा था ही,
पर तुम्हारी पत्नी से मिलने के बाद हम दोनों तो बिल्कुल बेफिक्र से हो गए। अब सब कुछ बहुत ग्रैंड लेवल पे होगा। ऑनेस्टली अभी तुमने बहुत अच्छा किया जो अपनी वाइफ को यहाँ बुला लिया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर ये यहाँ नहीं आती ना तो हम इतनी बड़ी कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं हो पाते। She's such a nice girl. Thank you, auntie. Yeah, very nice girl. अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। अरे तुमने दादी को मेडिसिन दी? अभी टाइम नहीं हुआ, 10 मिनट बचे, 10 मिनट के बाद जाकर दे आऊंगी। 10 मिनट तो तुम्हें दादी को ढूंढने में लग जाएंगे, तुम अभी जाओ वरना लेट हो जाओगी। अभी चली जाओ। ठीक है, मैं दादी को दवाई दे देती हूँ, फिर मुझे आपसे कुछ बात करनी। हाँ ठीक है, हम बाद में बात कर लेंगे, जाओ, दवाई इज मोर इम्पोर्टेंट। नमस्ते। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। बड़ी ही समझदार लड़की, वरना आजकल ऐसी लड़कियां कहां मिलती जो अपनी शादी तोड़कर अपने ही हस्बैंड की शादी किसी और से करवाए। नहीं मिलती अंकल, और मिलनी भी नहीं चाहिए। समझ नहीं आ रहा है कि हमारा टाइम बुरा चल रहा है या उसका अच्छा चल रहा है। पूरब को ही उसको बचाना था। जितना उन दोनों को दूर करने की सोचो उतना ज्यादा करीब आ जाते हैं। पूरब को तो चोट लगी है ना, मैं तो देख भी नहीं पाई, उसके 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 हाथ में लगी ना। कार से एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की, पूल में धक्का दिया, आज आग में धक्का दिया, लेकिन फिर भी बच गए। समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। आलिया अभी कुछ करने की सोचो भी मत, दिमाग ठंडा रखो, गुस्से में कोई कदम उठाओगी तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। तो क्या कहना चाहती हो तुम, जो हो रहा है उसे होने दूं क्या? नहीं, सही मौके का इंतजार करो। तो तुमने कुछ सोचा है क्या तनु? नहीं अभी तक तो नहीं, अभी मैं मॉम डैड से मिलने जा रही हूँ, देखूँ तो सही अभी ने बात कहाँ तक की है, उसके बाद कुछ बड़ा सा प्लान करते हैं, ऐसा प्लान जिससे बुलबुल की बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाए। तुम यहाँ किसका वेट कर रही हो? पूर्व मैं उसको ढूंढ रही हूँ जिसने तुम्हारा हाथ चलाया। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। मतलब ये पूर्व, जब मैं नारियल फोड़ने जा रही थी तब मैं अपने आप से नहीं गिरी, किसी ने जानबूझकर अपना पैर बीच में डाला ताकि मैं लोड़ी पर गिर जाऊं। कौन था वो? कहीं तनु तो? मुझे भी उसी के ऊपर शक हो रहा है पूरब, क्योंकि वही मेरे साथ में खड़ी थी। जो चैलेंज दिया था वो कहीं हार ना जाए, इसलिए मुझे रास्ते से हटाना चाहती थी पूरब, ताकि मैं दी को कोई हेल्प ना कर सकूं। पर वो है कहाँ? कहीं नजर ही नहीं आ रही, बहुत ढूंढा मैंने उसे। काफी देर हो गई अभी को मॉम डैड के साथ, जाके देखती हूँ बात कहाँ तक पहुंची। ये अंदर कैसे चली गई, कहीं मॉम डैड से तो नहीं मिलके आ रही है? तुम अंदर क्यों गई थी? चश्मा मुझे लगा है और नजर तुम्हें नहीं आ रहा। ये मेरा घर है, मैं अपने घर में क्यों गई थी, क्या करने गई थी, ये पूछने का हक नहीं है तुम्हें। बाहर वाली हो, बाहर वालों की तरह ही रहो। डोंट वरी, थोड़े दिन बाद तुम इस घर से बाहर चली जाओगी, तब तुम बाहर वाली बन जाओगी। बताओ क्यों गई थी अंदर और किससे मिलके आ रही हो? अपने पति से मिलने गई थी। तुम्हें क्या लगा कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगी मुझे पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ है? मैं इनसे मिलकर भी आई हूँ और इनकी मदद भी करके आई हूँ, की वजह से उनके मन में मेरे लिए इज्जत और इस घर में मेरे लिए जगह और बढ़ गई। इसलिए तुम्हारे मन में जो ये सपना है ना मुझे इस घर से बाहर निकालने का, उसे भूल जाओ तो बेहतर होगा। ऐसा क्या कर दिया इसने? कहीं इसने
अभी और मॉम डैड की बात को खराब तो नहीं कर दिया, जिससे अभी को और गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया।